भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नेवड़िया थाने में बंद संदीप पटेल के पिता नंदलाल पटेल की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। नेवड़िया थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की अभिरक्षा में दो युवक को रखा गया था। पिता नंदलाल पटेल अपने बेटे से मुलाकात करने नेवड़िया थाने सुबह पहुंचे, लेकिन पुलिस ने डांट फटकार कर भगा दिया। 3 घंटे बाद उनकी हार्ट अटैक से अचानक मौत हो जाती है। पुलिस ने संदीप पटेल पुत्र नंदलाल पटेल, शिवम पटेल पुत्र कमलेश पटेल ग्राम पंचायत बुद्धिपुर सरंडी के मूल निवासी थे। पुलिस पर आरोप है कि कल यानी 14 तारीख को दोपहर संदीप पटेल को पुलिस ने एक निजी अस्पताल से उठाया था, वहीं शिवम पटेल को पुलिस घर से उठाकर थाने लाई थी। मृतक नंदलाल कल अपने बेटे संदीप से थाने मुलाकात करने आए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा कहा गया कि जब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो जाता तब तक आपके बेटे को छोड़ा नहीं जाएगा। लोग यहाँ पर एक अनिल पटेल जी की दुखद मृत्यु घर पे हो गई थी, तथाकथित ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। उनके परिवार के ही एक लड़के को एक घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें बारात आई थी, उसमें मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को चोटें आई थी जिसमें उसकी भदोही में डेथ हो गई थी। इस घटना का यहाँ पर थाना नेवड़िया में अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसी में कुछ इसमें इनपुट और कुछ साक्ष्यों और कुछ बयानों के और पीड़ित परिवार के जो स्टेटमेंट थे उसके आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने की कार्यवाही चल रही थी और पूछताछ चल रही थी। तो उनके परिवार का भी एक लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसको पूछताछ करके छोड़ दिया गया था। और ये बात सामने आई कि इसी वजह से, सदमे से या इसको इमोशनली उन्होंने ले लिया और उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से, ऐसा बताया जा रहा है। सर, जो संदीप, हालांकि वो पहले से भी बताया जा रहा है कि उनकी वो एजेंट थे और कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी, लेकिन घर पर ही जो है वो किन्हीं कारणों से, किसी हेल्थ रीजन से उनकी, जैसा बताया जा रहा है कि उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। अभी तो मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम से ज्ञात होगा। इसी बात से उत्तेजित होकर के कुछ लोग यहाँ पर उनकी बॉडी को लेके आए थे, लेकिन उनको जब सारे फैक्ट्स बताए गए, समझाए गए, तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ठीक है, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं। सर, कल जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिस लड़के को, परिवार वालों का आरोप है कि उसको थाने में बंद करके मारा पीटा भी गया था। अब उनकी सारी बातों को सुन लिया गया है और वो सभी बिंदुओं की गहराई से हम लोग छानबीन करेंगे जी, और जो सही तथ्य होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आप लोग भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहां पर नेवड़िया थाने में उपस्थित थे, क्या था, क्या मामला है? ये मामला है, हमारा लड़का लिया के काल के थाने में बंद करे हैं जी। हमारे लड़का के बुलाए थे ना कि अथुआ, अरे चलो वहाँ नेता दे रहे, वहाँ काट दे रहे, तो हमारा लड़का वहाँ गल ब्याह में अब मारे है दूसर के, खाली ये सब शक करके हमारे लड़का के पकड़ के लिया से बंद करे रहे, तो हमारे जेठा उतरे जाना कि वहाँ हॉस्पिटल रहे। बेटे का क्या नाम था जिसको पकड़ के लेके आए? संदीप। संदीप, हाँ, मेरा लड़का का नाम संदीप शिवम। अच्छा। हाँ, तब पकड़ के सब लिया, कहा था कुछ न करब लड़का के, खाली पूछ जांच करब और कोनो बात नहीं होएगा। तो हमने कहा अच्छा चला ठीक बा, तो कहा था कि छोड़ दे, अब हमारा लड़का छोड़े ना है और सादे ड्रेस में गए रहे दू जने। अच्छा। हाँ, एकदम सादे ड्रेस में। तो कहा था कि ये लड़का तो खाली पूछ पाछ के छोड़ दे, और जब यहाँ लिखित करें तो कहा था ना, तो हर लड़का केस करे हैं। और जब लड़का के बाप के सदमा गल वहाँ उनके हार्ट अटैक हो गया, तब हमारा कहाँ हार्ट अटैक हुआ था? वहाँ लखधरपुर, हाँ, हॉस्पिटल पे जी। हाँ, सवेरे खाना वाना खाए के, नहाए खाए के हमारा जेठा गए दिन वहाँ, और जब इसमें था कह दे कि नहीं ये सब करे रहे, तब हमारे सुन ले रहे तो उनके अथवा हार्ट अटैक हो गया। हमारे लड़का के लिए आए थे ऐसे बंद करके मारे हैं, मारे हैं। मेरे पापा हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? डॉक्टर नंदलाल पटेल जी। उस दिन मतलब जब हम शादी में गए थे जी, तो शादी में से हम लोग आए तो ये सब मतलब जो द्वार पूजा लग रहा था जी,
दुआर पूजा का मतलब वीडियो बना था, तो मतलब उसमें शक के दायरे में तीन चार लोग को गोला गोला बनाया थे, मतलब फोटो पे जो 11 तारीख को भदोही से बारात, हाँ, उस मामले में आज आपके परिवार वालों को किसी को पकड़ के लेके गए थे पुलिस, कल शाम को हमको पकड़ के लेके आज बैठा थे, तो उसमें मतलब जो गोला बनाए थे उसमें मेरा फोटो नहीं था जी, और लेके आए यहाँ पे बंद किए थे, तो जो वो भदोही वाले लड़कों को बुलाए हैं कि पहचानने के लिए, और वो सब आए पहचाने, तो मतलब हमको उसमें पहचानने की बोल दिए कि लड़का नहीं था, तब पर भी हमको यहाँ बैठाए थे, मारे थे। अच्छा, उसके बाद जब पापा जब एक्सपायर हो गए तो उसके बाद फिर कौन मारा था आपको? अरे यही एक संदीप तिवारी, विजय शास्त्री थे, विजय शास्त्री। अच्छा, पुलिस वाले। हाँ, और उसके बाद फिर हमको जब पापा एक्सपायर हो गए तब छोड़े हैं, उसके पहले नहीं छोड़े, जब वो मतलब पहचान नहीं पाया तो छोड़ देना चाहिए हमको ना जी। क्यों मतलब बैठाए थे? अब आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या आपको कैसा न्याय चाहिए? अरे हमको निर्दोष साबित करिए, जब हम कुछ किए ही नहीं है तो जी। फालतू का हमको फंसाए, पापा मेरे चले गए, बता ला के देंगे उसे। आपका शुभ नाम क्या है? संदीप पटेल।